नहीं, आपकी तरफ से जो ऑर्डर किया गया, सुनिए सुनिए, ये हमारी तरफ से ये नहीं कि हम बता रहे हैं, आपके आपके विभाग का ऑर्डर है, किसी का भी है, ये है फर्जी नहीं, तो नहीं तो वही हमको आराम से बता दीजिए, भाग क्यों रहे हैं? हम भाग नहीं रहे, हम तो 2 बजे की मीटिंग जा रहे हैं, अभी हम लौट करके आएंगे तो हम आपसे बात कर लेंगे। ये जो ऑर्डर किया गया है नंबर प्लेट लगाने का, कोई ऑर्डर नहीं है, मैं बता तो रहा हूँ कोई ऑर्डर नहीं है। तो ये जो कागज पे ऑर्डर है, मित्र साहब अनुमान पैदा कर रहे हैं, क्या नाम है सर? सर मेरा नाम है आरएस तिवारी। तिवारी जी, क्या पूरा मामला है सर? पूरा मामला मुझे सर सर वीडियो साहब के पास हम गए थे सर 24 तारीख को, मतलब सर आवेदन लगाने के लिए सर, लेकिन हमसे पहले सर 9 तारीख को ही मतलब कि सर मतलब कि संतोष तिवारी को उन्होंने आदेश दे चुका था, मतलब सर जो हमने भी जो सेवा करना था उस सर पे, ये संतोष तिवारी ने सर मतलब कि 20,000 रुपया में 5 अपने गिरोह पार्टियों को सब कागज बेच चुके हैं सर, मुझे 40 के रेट में सर। मान लीजिए सर साहब के पास हमने विनती करने के लिए गया सर, साहब ने हमको तिरस्कार कर करके वापिस से सर हमको भगा दिए, बोले कि तुम यहाँ से भागो जाओ, कैसे समझिए सर, हमारा कोई सुनवाई नहीं की है सर। क्या पैसे भी लिए आप? सर सर हमने कुछ खर्चा बर्चा भी दिया था, सेवा भी किया था सर उनको, ये 3,000 रुपया हमने सेवा भी किया था सर, बोले साहब को देने के लिए सर, हम लोग हमको साहब ने मतलब निर्देश दिया था, हमारे आवेदन पर ही साहब ने हमको दिया था, समझिए। उन्नाव में जिला विकास अधिकारी का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जिला विकास अधिकारी ने मोटी रकम लेकर अपने चहेते ठेकेदार को सभी विकास खंडों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों के बाहर नेम प्लेट लगाने का ठेका दे दिया। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब जिला विकास अधिकारी ने एक और ठेकेदार से पैसे लेकर उसको टेंडर देने की बात कही। वहीं जब इस पूरे मामले पर हमने जिला विकास अधिकारी से बात की तो वो ऑफिस से भागते नजर आए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, क्या ऐसे अधिकारियों के रहते हुए भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनेगा? उन्नाव से वीरेंद्र यादव, ईटीवी।